So guys, welcome back to the channel. And just now I read the notification of the NTA, that is National Testing Agency, जो CUET conduct करवाता है. और इस बार का कुछ इन्होंने पूरा जो है पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है. मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले आप तो अपनी आईडी जो है आप यहाँ से लॉग इन कर लो, NTA खोल के, NTA की वेबसाइट खोल के साइन इन करके. जो भी आपकी आईडी लॉग इन है वहाँ से आप आराम से आईडी लॉग इन कर लो. इसका ओपनिंग सेक्शन है, आप सबको पता है. यहाँ पे इसमें बस अपना सिक्योरिटी पिन वगैरह डाल देना है जो भी आएगा, और वहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेनी है. तो आपका कुछ यहाँ पे ऐसा फॉर्म करके निकल के आएगा, ऐसा फॉर्म आपका निकलेगा. उसमें ये है कि जैसे ये 23/5/2023 को मेरा एक एग्ज़ाम है, दैट इज़ इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस. बट मेरे चार एग्ज़ाम्स हैं, बट यहाँ पे दो ही दिखाए हैं. तो यू डोंट नीड टू गेट वरी अबाउट इट, बिकॉज जो एग्ज़ाम आपका सबसे नज़दीक होगा वही एग्ज़ाम आपका ये दिखाया हुआ है 23 स्लॉट वन में. अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसकी अलग मतलब दोबारा से वो मेरा उसका कार्ड आएगा, और दोबारा से क्या बोलते हैं मेरे को उसमें बताया जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम डेट कब है. आप देख सकते हो यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया है कि जम्मू में होगा मेरा एग्ज़ाम. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, और यहाँ पे पूरा आपका डेटा दिया हुआ है. बेसिकली ये एक मेन एडमिट कार्ड नहीं है, दिस इज़ जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है. एडमिट कार्ड जो है वो 3-4 दिन पहले रिलीज़ हो जाएगा एग्ज़ाम देने के. तो टाइम से इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज लास्ट टाइम जब उन्होंने ये रिलीज़ किया था फर्स्ट वाला अलॉटमेंट सेंटर, तो उसमें उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स का बताया हुआ था. बट इस बार उन्होंने सिर्फ दो एग्ज़ाम्स, जैसे दो में एग्ज़ाम है मेरे 23 को, तो सिर्फ वही बताया हुआ. अभी नेक्स्ट मेरा बताया नहीं है. तो अभी नेक्स्ट जब वो बताएंगे तो इस बार उन्होंने जो है कि सेपरेट करके बता रहे हैं. तो यू डोंट नीड टू गेट वरीड अबाउट इट कि आपके बाकी एग्ज़ाम्स का बताया नहीं है. तो अबाउट इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्ज़ाम. थैंक यू.